वेलकम टू द चैनल आरवी फंटासी सेवन। तो इस स्टूडियो में हम बात करने वाले एनबीए लीग का जो मैच होने वाला है डैलस मैवरिक्स वर्सेस सैक्रामेंटो किंग्स के बीच में। दोनों टीम में अगर यहाँ से कंपैरिजन करो तो यहाँ पर डैलस मैवरिक्स के पॉइंट टेबल पर फिफ्थ पोजीशन पर और पॉइंट टेबल पर 13th पोजीशन पर है सैक्रामेंटो किंग्स। रिसेंटली कुछ मैचेस की बात करूँ तो तीन में से यहाँ पर तीनों मैचेस विन किए हैं डैलस मैवरिक्स ने और तीन में से यहाँ पर दो मैच विन किए सैक्रामेंटो किंग्स ने। तो कंपेरेटिवली दोनों टीम यहाँ पर इक्वली स्ट्रांग है, लेकिन डैलस मैवरिक्स एक प्लेयर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो है लुका डोंसिक, जिनके ऊपर गेम टाइम डिसीजन है, यानी जीटीडी गेम टाइम डिसीजन है। ऑटो इंजरी के चलते शायद खेल सकते या फिर नहीं भी खेल सकते, सीरियस इंजरी हुई कुछ कन्फर्म न्यूज़ अभी फिलहाल आउट नहीं। कन्फर्म न्यूज़ आउट होंगी मैच स्टार्ट होने के 30 मिनट पहले लगभग लगभग, और ये मैच जो है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग टाइम पर है। तो शायद यहाँ पर इस मैच की मैं फाइनल टीम आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो भी स्टार्ट है और जो भी यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स है और जो भी यहाँ पर लॉजिकली जो यहाँ पर टीम बनेगी वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी नेक्स्ट मैचेस के फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, जिसकी लिंक आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। दोनों लिंक अगर वर्क नहीं करते तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RVFantasy7, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर प्लस इंजरी अपडेट्स। सबसे पहले डैलस मैवरिक्स, डैलस मैवरिक्स की तरफ से लुका डोंसिच स्टार्ट करते देखेंगे पॉइंट गार्ड से, शूटिंग गार्ड से बंसन स्टार्ट करेंगे, स्मॉल फॉरवर्ड से स्टार्ट करेंगे डी फिनी स्मिथ, पावर फॉरवर्ड से स्टार्ट करते हुए देखेंगे बलक्स और सेंटर से स्टार्ट करेंगे पोवेल। ये इस टीम की रेगुलर स्टार्टिंग लाइनअप है, लेकिन क्या कुछ इंजरी अपडेट्स है। लुका डोंसिच इनके ऊपर गेम टाइम डिसीजन है टो इंजरी के चलते, और कन्फर्म न्यूज़ अभी फिलहाल यहाँ पर आउट नहीं खेल भी सकते या फिर नहीं भी खेल सकते। और अगर यहाँ से हम यहाँ पर अगर यहाँ पर कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो लुका डोंसिच पर ये टीम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और मोस्टली यहाँ पर जितने भी मैचेस जीते लुका डोंसिच की वजह से जीते, मोर देन 50% यहाँ पर फील्ड गोल से एक्टिवेट रहे थे और अपने टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा शॉट्स लेते थे। तो लुका डोंसिच इस टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं खेले तो मैच आपको अच्छा खासा होता हुआ दिखेगा। इफ़ और अनलेस यहाँ पर लुका डोंसिच नहीं खेलते तो सैक्रामेंटो किंग्स भी आपको यहाँ पर ये मैच विन करती हुई दिखेंगी। बाकी अगर यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकली हम बात करें लुका डोंसिच खेलते हैं तो नो डाउट सबके पास होंगे और सबके एसपी, इनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। बंसन के थोड़े से क्रेडिट इंक्रीज हुए, लेकिन उस लेवल का परफॉर्मेंस पे भी इनकी तरफ से आ नहीं रहा है। फिनी स्मिथ एक डिफेंसिव प्लेयर है, थ्री पॉइंटर शूटर है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट देंगे और कभी कभी एवरेज पॉइंट देंगे। बाकी रूली बलक्स के बारे में मैंने जब लास्ट वीडियो यहाँ पर बनाया था डैलस मैवरिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैचेस थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और पॉइंट पिक थे। लास्ट मैच में किसी ने भी यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट नहीं किया था, हमने यहाँ पर इन्हें पिक किया था विजन एलेवन पर और इन्होंने हमें इजीली यहाँ पर विन करवा दिया था। तो आप इन पर ध्यान रख सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और फील्ड गोल से यहाँ पर ये अच्छे खासे शॉट्स लेते हैं। लास्ट मैच में आपने ये देखा भी है, 14.3 रिबाउंड, डिफेंसिवली काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर ये दे देते। पोवेल सेंटर से खेलते, ऑफेंसिव रिबाउंड प्लस टू पॉइंटर शूटर में यहाँ पर ये एक्सपर्ट है और कई मैचेस में इन्होंने ऐसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट दिए, और वैसे भी सिलेक्शन परसेंटेज इनका काफ़ी ज़्यादा आज के मैच में, क्योंकि इनसे बेटर सेंटर में आपको कोई प्लेयर मिलेगा नहीं। तो मोस्टली यहाँ पर मुझे लगता है हार्डली यहाँ पर 100% अपोनेंट के पास रहने वाले, तो इनको ड्रॉप करने के बारे में शायद ही कोई यहाँ पर सोचेगा। बाकी इस टीम की तरफ से जो बेंच स्ट्रेंथ है, बेंच में इनके जो तीन बड़े प्लेयर है, जहाँ पर डिनविडल, अगर लुका डोंसिच नहीं खेले तो ये आपको स्टार्टिंग लाइनअप में भी देखने को मिलेंगे, अगर यहाँ पर स्टार्ट करते तो मे भी आपको यूनिवर्सल पीपी भी देखने को यहाँ से मिलेंगे। ये बैन से खेलते, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन अवेलेबल है, कभी कभी आपको अच्छे पॉइंट दे देंगे ग्रीन, और रिसेंटली मैचेस में इनको यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिला है। एज अ क्रेडिट सेवर आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। क्लेवर यहाँ पर खेलने रहे, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और बार्टन खेलते यहाँ पर बैकअप सेंटर या फिर बैकअप फॉरवर्ड से भी खेलते, इनका कोई यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, कहीं से भी यहाँ पर ये खेल लेते। और लास्ट मैच का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, टोटली फ्लॉप। ग्रीन ने इससे पहले मैचेस में अच्छा खासा दिया था, लेकिन लास्ट मैच में थोड़े से यहाँ पर फ्लॉप रहे थे, लेकिन डिडवर्टन इनके तरफ से हमेशा से यहाँ पर परफॉर्मेंस देकर आ रहे और मोस्टली यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और मोस्टली अपोनेंट के पास भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो डिनविडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग, और जेल में तो आप इनको या वैसे भी ट्राई कर सकते हो। सेकंड साइड अगर यहाँ पर सैक्रामेंटो की तरफ से अगर यहाँ से बात करूँ, तो इनके तरफ से जो इनकी रेगुलर स्टार्टिंग है, फॉक्स आपको स्टार्ट करते देखेंगे पॉइंट गार्ड से, हॉलीडे स्टार्ट करेंगे शूटिंग गार्ड से, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको लाइस स्टार्ट करते देखेंगे स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड से सबोनिस स्टार्ट करेंगे, और सबोनिस आपको शायद यहाँ पर सेंटर से खेलते हुए देखेंगे, और पावर फॉरवर्ड से लाइस स्टार्ट करेंगे, और स्मॉल फॉरवर्ड से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बंस। ये इस टीम की रेगुलर स्टार्टिंग लाइनअप है, जो रिसेंटली दो तीन मैचेस में यही यहाँ पर स्टार्टिंग लाइनअप है। अभी इस लाइनअप में इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है,
फॉक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन क्रेडिट की वजह से शायद आपको इनको ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन लुका डॉन्सिक नहीं खेलते तो आप इनको इजीली पिक कर सकते हो। सोविनिस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि आपको रिबाउंड प्लस है आप पर पॉइंट खास कर डबल डबल शूट्स अच्छे खासे कर लेते और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते। फॉक्स या फिर सबोनिस इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। रिसेंटली मैचेस का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके अकॉर्डिंग सबोनिस आपको एक बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे। बंसन फॉरवर्ड पोजिशन से मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ऑलरेडी 10 क्रेडिट में थोड़े से क्रेडिट इनके हाई परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लाइस से क्रेडिट से और आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर स्टार्ट भी करते तो इनसे बेटर क्रेडिट से और मुझे नहीं लगता आपको कोई मिलने वाला है। लास्ट मैच का जो परफॉर्मेंस रहा था यहाँ पर अगर देखेंगे तो फॉक्स की तरफ से बेस्ट आया था क्योंकि फील्ड गोल से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहे थे, इस टीम के स्टार प्लेयर है। सबोनिस फील्ड गोल से थोड़े से कम शॉट्स के लिए गए थे लेकिन पॉइंट फिर भी देख लेना, 12.2 रिबाउंड और 6 असिस्ट के चलते अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आया था। हॉलीडे ने काफ़ी ज़्यादा शॉट्स ट्राई किए थे फिर भी यहाँ पर टोटली फ्लॉप रहे थे, फिर भी इनको बैक किया गया था पता नहीं क्यों। और जो सेकेंड मैच अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो हॉलीडे का परफॉर्मेंस टोटली फ्लॉप। सबोनिस ऑलरेडी यहाँ पर हर मैचेस में कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस देकर आ रहे, फॉक्स एंड एन एवरेज परफॉर्मेंस रहा था सेकंड मैचेस में, तो यहाँ पर सबोनिस के कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दे रहे। डीएंड्रे फॉक्स आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, इसे हम यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल कर दे, कभी बहुत बढ़िया परफॉर्म देंगे और कभी कभी फ्लॉप परफॉर्मेंस। बंस मुझे नहीं लगता कोई इनको ड्रॉप करने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड पोजिशन से इनसे बेटर ऑप्शन वैसे भी कोई अवेलेबल नहीं, अवेलेबल है हॉलीडे लेकिन हॉलीडे के क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा है और रिसेंटली मैचेस इनके लिए कुछ खास यहाँ पर रहे नहीं। लाइस डिफेंसिवली खेलते अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनका लास्ट मैच में आया था, सेकंड मैच में भी एन एवरेज परफॉर्मेंस आया था, तो स्टार्ट कर रहे यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट सेवर के साथ आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो 6.5 क्रेडिट में, मुझे नहीं लगता इनसे बेटर आपको कोई स्टार्टर यहाँ से मिलने वाला है दोनों टीम की तरफ से भी। बाकी इस टीम की तरफ से जो बैन स्टेन थे डेविन साजो आपको खेलते देखेंगे बैकअप यहाँ पर गार्ड प्लेयर, काफ़ी अच्छा टाइम इनके यहाँ पर रिसेंटली मैचेस में मिला है। उसके बाद यहाँ पर डोनोविक मिचेल डीएंड्रे जॉन्स जो कि यहाँ पर खेलते हैं बैकअप सेंटर, तो ये कुछ यहाँ पर प्लेयर है। सेकंड मैच में अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी डीएंड्रे जॉन्स की तरफ से परफॉर्मेंस आया है, उसी के साथ साथ मिचेल और उसी के साथ साथ डेविन साजो हर मैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं और लैम इनके पास अवेलेबल है, तो ये इनके यहाँ पर बैन स्टैंड थे। जहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें लैम डेविन साजो इनके पास अवेलेबल है और उसी के साथ साथ सेंटर से यहाँ पर डीएंड्रे जॉन्स अवेलेबल है जो कि रिसेंटली मैचेस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देकर आ रहे, तो ये कुछ यहाँ पर इनकी बैन स्टैंड थे जिन्हें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। मिचेल को भी कभी कभी टाइम अच्छा खासा मिलता है, जेल के लिए मैं इनको प्रेफरेबल करूंगा। स्मॉल लीग के लिए डेविन साजो और लैम आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है और उसी के साथ साथ डीएंड्रे जॉन्स को भी आप ट्राई कर सकते हो, तो ये स्मॉल लीग के लिए कुछ बेंच प्लेयर है जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो और रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रहे। अगर यहाँ से बात करूँगा ड्रीम इलेवन टीम, तो ड्रीम इलेवन टीम के लिए सबसे पहले आता है पॉइंट गार्ड सेक्शन, जहाँ पर ये टीम यहाँ पर ये कंसिडर कर कर बना रहा हूँ कि लुका डॉन्सिक आज का मैच खेलेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि काफ़ी लेट नाइट वाला मैचेस है और शायद ही मैं आपको यहाँ पर ये मैच की टीम प्रोवाइड कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर लेट नाइट वाले मैच है, मॉर्निंग के मैचेस भी कवर करने होते, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये मैच मैं कवर करवा पाऊंगा। अगर यहाँ पर उस टाइम यहाँ पर अवेलेबल हुआ तो वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल हुआ तो यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन में बता दूंगा जिन्हें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ पर लुका डॉन्सिक खेलते तो लुका डॉन्सिक मेरे टीम में होंगे, उसी के साथ साथ डिन वाडेल मेरे टीम में होंगे, यहाँ से मैं डेविन साजो को पिक करो लूँगा। आपके कुछ अपोनेंट लैम के साथ भी आने वाले तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहते हो, लेकिन मुझे थोड़े से डेविन साजो बेटर ऑप्शन लगे। लैम जो कभी कभी अच्छे खासे अच्छा परफॉर्म देंगे कभी कभी फ्लॉप जाएंगे, लेकिन डेविन साजो डिफेंसिवली भी इन्होंने अच्छा किया है रिसेंटली मैचेस में, यही रीज़न है कि यहाँ पर मैं इनको पिक करो। स्मॉल फॉरवर्ड से आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, फिनी स्मिथ बंसन, इन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो। बंसन के रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मोस्टली अपोनेंट के पास रहने वाले, हॉलीडे भी वैसे आप स्टार्टिंग लाइनअप में रहेंगे तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल जो सेफी के बंसन इन्हीं के साथ यहाँ पर मैं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेना यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ, रिस्क लेने जैसा कोई यहाँ पर चांसेस नहीं है। फिनी स्मिथ को आप जेल में वैसे ट्राई कर सकते हो लेकिन स्मॉल लीग के लिए बंसन इंपॉर्टेंट है। सबोनिस जो कि यहाँ पर यूनिवर्सल पीपी रहने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि रिबाउंड प्लस पॉइंट दोनों सेक्शन से परफॉर्मेंस देंगे। रोली बलक्स का लास्ट मैच में बेस्ट आया, मुझे नहीं लगता कोई इनको ड्रॉप करने की कोशिश भी करेगा। पोवेल सेंटर से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अभी बचता है हमारे पास जो 8th प्लेयर, अगर आप यहाँ पर खेल रहे हो विजन एलोम पर तो विजन एलोम पर आप अपने टीम में लैम को पिक कर सकते हो या फिर अदर जो ऑप्शन है वो हॉलीडे का ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पर हॉलीडे को पिक कर सकते हो। तो ये कुछ विजन एलोम की पिक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ड्रीम एलोम पर खेल रहे हो लाइस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन टाइम इतना बेटर उनको मिल नहीं रहा है, एंड एन एवरेज परफॉर्मेंस इनका रिसेंटली मैचेस में आया है, और डीएंड्रे जॉन्स इनके साथ जा सकते हो। बैन से खेलेंगे मोस्टली यहाँ पर हार्डली यहाँ पर 15 मिनट अराउंड यहाँ पर ये खेलेंगे, लेकिन उतने मिनट में अगर यहाँ पर ये रिबाउंड से पॉइंट दे दे तो कहीं बेटर पॉइंट आपको यहाँ पर लाइस से भी कहीं बेटर पॉइंट आपको यहाँ पर ये देते भी देखेंगे, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे यहाँ पर जॉन्स लग रहे। तो ये फिलहाल यहाँ पर सेफ टीम है और डिफॉल्ट टीम है, जहाँ पर यूनिवर्सल एसपीवीपी इनके बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं।
इनसे बेटर ऑप्शंस वैसे भी आपको कोई मिलेंगे नहीं, अदर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं, तो यूनिवर्सल SPPP के लिए यही यहाँ पर दो ऑप्शंस फिलहाल यहाँ पर बेस्ट हैं। इफ़ और अनलेस अगर यहाँ पर लोकोडॉन्सिक नहीं खेलते तो उसके लिए आपको चेंजेस करना क्या है, लोकोडॉन्सिक की जगह पर आप यहाँ पर फॉक्स को इजीली पिक कर सकते हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जॉन्स की जगह पर आप यहाँ पर पिक कर सकते हो जेलिम बर्नसन या फिर डेविन साजो को आपको यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप जॉन्स को पिक कर सकते हो। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहाँ पर आपकी टीम में जेलिम बर्नसन आएंगे, डीएंड्रे फॉक्स आएंगे, और ये कॉम्बिनेशन जब रहेगा जब यहाँ पर लुका डोंसिच नहीं खेलते, और विजन एलोन पर 8.5 के रेटेड में आपके पास डेविन साजो अवेलेबल हो जाएंगे, डेविन साजो को पिक कर लेना। फिलहाल यहाँ पर जॉन्स के साथ जा रहा हूँ क्योंकि 0.5 के रेटेड की मुझे यहाँ पर दिक्कतें आ रही, यही रीज़न है कि यहाँ पर मैं जॉन्स को पिक कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर। वैसे यहाँ पर डेविन साजो भी बैन से खेलते हैं लेकिन गार का प्लेयर है, फील्ड गोल से काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लेता है, ऑफेंसिव प्लेयर है, यही रीज़न है कि यहाँ पर मैं इनको यहाँ पर अपनी टीम में पिक करना चाहता हूँ। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन विदाउट यहाँ पर लोकोडॉन्सिक, अगर यहाँ पर ये नहीं खेले फिलहाल यहाँ पर गेम टाइम डिसीजन है, और इसमें SPPP में यहाँ पर क्या मैटर रहेगा, आप यहाँ पर SP सोबनिस को बना सकते हो, और जो रिस्क लेना पसंद करते हैं डिनविडल को SP बना दीजिए और PP सोबनिस को बना दीजिए, फिलहाल जो सेफ खेलना प्रेफरेबल करता है ये SPPP ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सेकंड जो PP ऑप्शन आपके पास रहेंगे वो रहेंगे डीएंड्रे फॉक्स का, तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल रहने के काफ़ी कम चांसेस है, तो दोनों में से लुका डोंसिक पर सभी यहाँ पर डिपेंडेंट है, अगर वो नहीं खेले तो वो भी कॉम्बिनेशन बताए, अगर वो खेले तो उनका भी कॉम्बिनेशन बताए, तो दोनों में से एक ट्राई कर सकते हो। तो होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, उसी के साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा, तो मिलते हैं फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।